प्रोसेसर का क्या करना चाहिए? अगर आप प्रोसेसर के बारे में जानना चाह रहे हैं और सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर तीन चीज़ों का जवाब मिलेगा। एक, अनबॉक्सिंग। नंबर टू, प्रोसेसर की क्या प्राइस है। और नंबर थ्री, प्रोसेसिंग के हिसाब से और कौन कौन से प्रोसेसर अवेलेबल थे जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 4K एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए। सो दिस इज असली ठाकुर, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। लंबे सफर की छोटी दास्तान अब शुरू होती है। वेलकम टू अनदर अनबॉक्सिंग। दिस इज गोइंग टू बी माय ब्रांड न्यू AMD Ryzen प्रोसेसर ऑफ 5 एंड इट्स गोइंग टू बी द थर्ड जनरेशन ऑफ AMD Ryzen 5 3600 सीरीज। इट हैज 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द बॉक्स। Wow. It's heavy. I wasn't expecting that it would be heavy. What else do I have here? Nice. So what we have here is certificate of authentication, read first. Okay, so installation instructions for AMD. And what else do we have here? It's an important piece. Read note. If you're installing, before installing, you should read these things just to get it through. The main engine of the PC processing unit. If you could see the big bad wolf. Amazing. You don't know what a small piece of equipment can make such a difference in PC performance. Amazing. Ladies and gentlemen, I present you the AMD Ryzen 5 processor, and with it, I'm not sure what is that. It seems a cooler. So I believe it's a standard thing that it comes with a cooler. If you can hear that, amazing. I'm hyped up about it. The build quality of this cooler is amazing as well. I shouldn't have touched the central part as is for the processing thermo glue. So try not to touch while picking it up. I should put that back. But the build quality is amazing. And I mean amazing. So let's put this back. Yep. That's how you do it. So this is, I'm going to talk more about what the processor has to offer and why I selected this. And here is the current cooling system in the box. So back you go. Ryzen 5 के बारे में आपने अनबॉक्सिंग तो देख ही ली है, अब इसके फीचर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और दूसरे कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं। सो लेट्स बिगिन। Ryzen 5 के अंदर जो फीचर्स हैं जो आके आपने वीडियो के अंदर देख लिया है कि ये 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स हैं, एक तो ये फीचर हो गया। दूसरा फीचर ये है कि ये 3.6 GHz प्रोसेसर के ऊपर सपोर्ट करता है और इसके ऊपर जाता है ओवरक्लॉकिंग। आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन है या नहीं। मैं कभी ऑप्शन ये प्रेफर नहीं करता ऑनेस्टली। ये है ना, मैं चाहता हूँ कि जो जिस तरह की इसकी सेटिंग्स हुई है मैं उसको ही परफॉर्मेंस के ऊपर लाऊं, बनिस्बत ओवरक्लॉकिंग के ऊपर जाऊँ। तो दैट इज़ अप टू यू। दूसरी बात यह है कि ये प्रोसेसर और मेरा प्रीवियस प्रोसेसर जो कि i7 2600 है, उसका कंपेरिजन स्टडी इतना अच्छा नहीं होगा कि वो सेकेंड जनरेशन है, ये 2009 का है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो कंपेरेटिवली वो तो बेचारा मर जाएगा। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए, जस्ट हैव अ जनरल डिस्कशन कि वो उसकी क्या थी, वो उसकी फीचर्स थे कि 2600 सेकेंड जनरेशन के बावजूद वो 4 कोर्स 8 थ्रेड्स दे रहा था और 3.4 GHz कोर क्लॉक थी इसकी 3.6, अगेन बता दो। और मैक्सिमम अगर उसका देखा जाए तो 4.2 के ऊपर जाता था, ये भी 4.2 के ऊपर मैक्सिमम जाता है। ये एक है जो भी कह लें। सो
एक वो चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी बात है कि राइजन 5 के अंदर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कंपैरेटिवली कौन से प्रोसेसर्स अवेलेबल थे जब मैं सेलेक्ट कर रहा था, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे। सबसे करीब जो प्राइस रेंज में था वो एक i5 9500 था, जो कि इसके कंपैरेटिवली था। अब उसके परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस की रिसर्च अगर मैंने कंपेयर जो की थी, या मेरी रिसर्च जो बताती हुई थी कि AMD प्रोसेसर और i5 9500 के अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर फ़र्क यह है कि i5 9500 गेमिंग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत दूसरी मल्टीटास्किंग के अंदर, और ये मल्टीटास्किंग के अंदर ज़्यादा बेहतर था एज़ कम्पेयर टू i5 9500 के। सो अगर आप लोग कह रहे हैं कि प्योर गेमिंग के लिए और कोई काम नहीं करना उसके ऊपर, तो फिर i5 9500 या उससे इंटेल के अंदर कंसिड्रेशन पे जा सकते हैं। वैसे अगर मल्टीटास्किंग करनी है और परफॉर्मेंस भी बेहतर चाहिए तो दिस इज़ योर गाय, दिस इज़ द बिग बैड वुल्फ, आपको आना कंसिडर, मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने तो अभी कर लिया तो उसके बाद देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर AMD में रह के भी, इसके अंदर एक और ऑप्शन है Ryzen 5 3600X, उसको ना लेने की वजह ये थी कि उस बस फीचर्स अगर देखा जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम थे, उसकी थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस थी 2.2 और पॉइंट मतलब 4 समथिंग गीगाहर्ट्ज के कोर क्लॉक दे रहा था वगैरह वगैरह ज़्यादा उसके अंदर था, लेकिन प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस था, तकरीबन 5000 का था। भाई मेरे पास तो नहीं थे, सिंपल सी बात है, हमें पैसे का बजट था, हमारा बजट लिया और काम किया, बस ये हमारा काम था, तो इस वजह से हमारा काम तो इसमें चलता है। तो इफ़ यू थिंक कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के 3600X को परचेज कर सकते हैं, गो फॉरवर्ड, आपके ऊपर टोटली। सो आई एम बट दिस इज़ मोर देन सफिशेंट एंड एफिशिएंट फॉर अ 4K वीडियो एडिटिंग प्रोसेसिंग यूनिट एज वेल एज गेमिंग परफॉर्मेंस, सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। अच्छा, प्राइस के ऊपर खाली मैं आपको ये भी क्लियर करते चलूँ, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्राइस जब मैंने ये चीज़ें ली थी तो एक ड्रॉप आया था उसके अंदर मैंने परचेज़ किया था, मुझे थोड़ा बहुत बेहतर पड़ गया था एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस मार्केट प्राइस और उस करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो उस हिसाब से थी, तो मुझे थोड़ा सा ड्रॉप मिला था उसके अंदर, एडवांटेज हो गया। आपको भी आप अपनी लोकेशन और लोकेलिटी के हिसाब से देख के लीजिएगा, शायद आपको भी कोई इस तरह से बेनिफिट हो जाए, लेकिन खाली प्राइस का इस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता कि मार्केट किस तरह से थी, डॉलर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी, पेट्रोल के ऊपर भी, वगैरह वगैरह, सो हर चीज़ को कंबाइन करके वो प्राइस होती है, आप उसको भी कंसिडर में रखें। ये ना हो कि आपके प्राइस तो ड्रॉप हुई है लेकिन मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो वो इक्वल ना होता है, तो वो भी कंसिडरेशन में रखें कहाँ और किधर से मंगा रहे हैं या कहाँ और किधर से ले रहे हैं। सो डू कंसिडर दीज थिंग्स। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और जिसके ऊपर आप कहते हैं कि डिस्कस करना चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट यू बैक, या हम उसके ऊपर होमवर्क करके बताएंगे, या मैं उसके ऊपर होमवर्क करके बताऊंगा कि भाई व्हाट इज़ द मैटर, इसका आंसर कहाँ से मिल सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर फर्दर मोर वीडियोज़, होप टू सी यू सून, टेक केयर।